बिटसेट 2024 का फर्स्ट अटेम्प्ट अब काफी ज्यादा नजदीक है और इस टाइम पे जरूरी हो जाता है कि हमारा पूरा फोकस इस चीज पे रहे कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा बढ़िया स्पीड से जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करें। इवन अभी जो है आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो वहां पे भी आप ये इश्यू जो है शायद फेस कर रहे हो कि इतने सारे क्वेश्चन को इतने कम टाइम के अंदर हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन बिटसेट में जो है हमें थोड़े इजियर साइड पे देखने को मिलते हैं या फिर जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें कुछ लेंथी अप्रोचेस यहाँ पे इंक्लूडेड रहते हैं, अगर हम उसकी जगह जो है शॉर्टर अप्रोच से जाए तो वो क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जहां पे आपको समझ में आएगा कि स्मार्टली जो है क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो है आपका पार्ट वन रहेगा और अगर आप जो है इसी तरीके के और भी पार्ट चाहते हैं अपने सेशन से यहाँ पे पहले तो आप जो है जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा। एक छोटा सा लाइक का हम जो है टारगेट लेते हुए चल रहे, ये इस चीज के लिए रहता है कि हमें भी समझ में आए कि आपको जो है ये वीडियोस कितने ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो कि क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंस्पायर्ड भी है पिछले साल जैसा कि हमने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किए थे उसके बेसिस पे जो है ये क्वेश्चन चूज किया गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आप देख सकते हैं 1A01 और यहाँ पे देखे रखा है कि a belongs to all natural numbers, then what is a की पावर 100 माइनस a की पावर 50 माइनस 2a की पावर 25। अब यहाँ पे मैट्रिक्स के टर्म्स में चीजें स्टूडेंट्स वैसे भी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे मैट्रिक्स में धोखा खाते हैं या फिर उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्वेश्चन जो है उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको यहाँ पे पैटर्न समझना रहता है। जब भी ये पावर वाला खेल रहता है ना तो आपको ये देखना रहता है कि ए स्क्वायर कैसा दिखेगा, ए क्यूब कैसा दिखेगा, उसके बेसिस पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर की बात करें तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा 1A01 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1A01। तो यहाँ पे अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया 10 यानी कि ये हो गया आपका 1 और फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट इस पे देखें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सिंपली 0 और अगर ये A1 को इधर पे ले जाए तो ये आपका हो गया 2A एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा 1। ये चीज आपको दिखी। अब ऐसे ही ए क्यूब निकाल के देखना वो आपका क्या बन जाएगा पता है 1 3A01। इससे सीधा सीधा एक जनरलाइज पैटर्न आप यहाँ पे कह सकते हो कि An जो है वो आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 फिर Na 0 और 1। तो भाई अगर हमें जो है इस तरीके से जनरलाइज पैटर्न में जो है मैट्रिक्स समझ में आ गई सीधा सीधा आपको जो है ए की पावर 100 यहाँ पे समझ में आ जाएगा जो कि हो जाएगा 10 फिर आपका 100A1 और यहाँ पे माइनस A50 क्या हो जाएगा ए की पावर 50 1 यहाँ पे आपका हो गया 50A ये हो गया 0 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और a की पावर 25 हो जाएगा 1 25A यहाँ पे आपका क्या हो गया 0 एंड 1। अब सिंपली जो है यहाँ पे जैसे ऑपरेशंस दिए वैसा कर देना है तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो गया 0 माइनस 2 यहाँ पे मतलब कि -2 आएगा 100A माइनस 50A यहाँ पे हो गया 50A 50A माइनस 50A ये सिंपली हो गया 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 2 × 0 भी 0 फिर 1 माइनस 1 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 0 और फिर उसमें से -2 तो यहाँ पे फाइनली बन गया -2 यहाँ पे कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 0 0 1 यानी कि आपकी क्या मैट्रिक्स के इक्वल आ गई -2 आई। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा। अब बताइए ये क्वेश्चन के अंदर एक शॉर्टकट मेथड भी जो है इन्वॉल्व था, जानबूझ के एग्जामिनर ने आपके दिमाग के साथ यहाँ पे खेला और लिखा कि ए बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, जबकि पता है ऐसा मैट्रिक्स में जैसे हमें कुछ लग नहीं रहा है कि ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। अगर आप पता है यहाँ पे ए 0 भी डालते ना तो भी वो चीज जो है सेटिस्फाइड रहती। वो 0 इसलिए अवॉइड किया गया क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ऐसा थोड़ी है कि मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजेस आएंगे, तो ये शॉर्टकट मेथड है कि अगर आपको क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करना रहता तो हम जो है यहाँ पे ए को 0 मान लेते। हम थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट जरूर कर रहे हैं स्टेटमेंट को लेकिन देखिए हमें थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ती है ताकि हम अपना टाइम सेव कर पाए और दूसरे क्वेश्चंस में टाइम इन्वेस्ट कर पाए, तो ये रिस्क वर्थ इट रहती है। ऐसा कई बार डोमेन रेंज के भी क्वेश्चंस में रहता है जहां पे थोड़ी सी रिस्क हम ले सकते हैं। तो ये A=0 डालते आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती। अब आई की पावर 100 क्या होगा सिंपली पता है आई रहेगा, फिर आई की पावर 50 क्या रहेगा यहाँ पे -i हो जाएगा क्योंकि वो भी आई के इक्वल ही रहेगा। आई की पावर 25 यहाँ पे क्या होगा वो हो जाएगा सिंपली आई, तो यहाँ पे -2i आ गया तो फाइनली वैल्यू आ रही है -2i। लो सीधा सीधा ऑप्शन ए मिल गया बिना कुछ ज्यादा यहाँ पे सॉल्व किए। तो इस तरीके से थोड़ा क्वेश्चंस को स्मार्टली सोचना रहेगा पेपर में तभी जाके हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं भी है तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए आप अपने प्रिपरेशन को यहाँ पे जो है बूस्ट दे सकते हैं हमारे प्रचंड बैच के थ्रू। तो ये क्रैश कोर्स में हर एक वो चीज मौजूद है जो कि आपके स्कोर को यहाँ पे अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। तो कंप्लीट प्रोसीजर जो है एनरोलमेंट का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बाकी आपको जो है यहाँ पे एक 1500 रुपीज ऑफ का डिस्काउंट कूपन कोड भी है जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइम तक वैलिड है और काफी कम सीट्स जो है इस बैच के अंदर रह गई है। तो अगर आप अपनी सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट देना चाहते हैं तो आप इसे जरूर से जो है चेक कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखें,
ये क्वेश्चन भी आपका जो है यहाँ पे दिमाग खोल देगा, क्योंकि जनरल स्टूडेंट्स इसमें जो है लंबा मेथड लगाते हैं। जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं शायद ही कोई स्टूडेंट जो है उस लेवल पे यहाँ पे सोचे। अब देखिए इसके अंदर इफ साइन ए प्लस बी इजिकल टू वन है एंड टू साइन ए माइनस बी इजिकल टू वन है, जहां पे बोला गया है कि जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में ए कॉमा बी रहेगा, देन व्हाट इज टेन ए इज टू टेन बी इक्वल टू, ये चीज आपसे जो है क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। अब देखिए जनरल स्टूडेंट्स के यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगा पता है, साइन ए प्लस बी आपका इक्वल टू वन दिया है तो ए प्लस बी जो है उसको हम यहाँ पे देखें कि a प्लस बी हमारी क्या वैल्यू रह सकती है, तो पाई बाई टू रहेगी। फिर a माइनस बी आपका जो है यहाँ से वन बाई टू मिला, तो हमने जो है a माइनस बी पाई बाई सिक्स निकाला, फिर a और b निकाला, फिर डालते हुए सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाली। पर ये क्वेश्चन पता है दो स्टेप का था, अगर हम उस अप्रोच से भी नहीं जाए क्योंकि वो थोड़ा सा तो लंबा था, आपको चीजें लिखनी पड़ेगी, कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिखाने पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम अच्छे से सोचते, आपको कंपोनेंटो और डिविडेंडो का अगर रूल क्लियर था जो कि हम प्राइमरी क्लासेस में देखते, तो आप उसके बेसिस पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बेसिकली आपसे 10 इज टू 10 भी बोला गया है, जो कि हो जाएगा हमारा सिंपली साइन ए अपॉन यहाँ पे हो गया कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन बी अपॉन कॉस बी, यानी कि उसको आप यहाँ पे जो है ऊपर ऐसा लिख सकते हैं कॉस बी अपॉन साइन बी। इस रेशियो को हम लेट से एक्स बाय वाई बोल देते, ठीक है, हमने इसको जो है एक्स बाय वाई बोल दिया। अब इसमें बस कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, एक स्टेप का आंसर है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, अपॉन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब भाई ये चीज क्या लिखी है, ये लिखी है साइन ए प्लस बी जिसकी वैल्यू वन देके रखी है, ये क्या लिखा है साइन ए माइनस बी जिसकी वैल्यू यहाँ पे वन बाय टू देके रखी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। आपसे पूछा क्या है सिंपली टेन ए अपॉन टेन बी, यानी कि यही वाला तो अपन ने इसकी जगह लिखा था, मतलब एक्स बाय वाई निकालना है, तो ये क्या हो गया टू एक्स माइनस टू वाई इजिकल टू एक्स प्लस वाई सिंपली, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या निकल आई एक्स बाय वाई इजिकल टू थ्री टू वन। कितने जल्दी जो है अपन ने उस क्वेश्चन को कर लिया, और कंपोनेंटो डिपेंडेंटो अगर दिमाग में सीधा हो गया तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए ये चीज मैंने लिखी है, है ना, तो एक स्टेप के अंदर आपका आंसर सीधा यहाँ पे आता। तो कभी कभी क्या है थोड़ा सा स्मार्टली जो है क्वेश्चंस के अंदर हमें सोचना रहता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, हम जो है कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन से डर जाते हैं जबकि वो क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहते हैं, स्पेशली ये क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे लगेगा कि भाई ये क्या चीज लिखी है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज करनी रहती है, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई डालो, और बाकी जो भाई टू डी के अंदर आपने यहाँ पे कर्व्स पढ़े होंगे उससे रिलेट करते हुए आप आंसर निकाल सकते हो, है ना, जिसके जिस भी हिसाब से हमें दिख रहा होगा कर्व, जैसी भी इक्वेशन होगी उसके हिसाब से आंसर बता सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का अच्छे से यूज करिएगा, जैसे कि जेड जेड कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल रहता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई कर रहे हो, वो एक स्टेप भी आपको यहाँ पे बचानी रहेगी। तो यहाँ पे मॉड जेड स्क्वायर इसमें भी एड हो जाएगा, तो ये कितना बन गया टू मॉड जेड का स्क्वायर, और जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट सोच के देखो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जेड कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई वाई, तो आई वाई माइनस आई वाई कैंसल हो जाएगा और सिर्फ 2x बचा, मतलब 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, है ना, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, एनसीईआरटी के अंदर भी दी है, तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे याद रहनी चाहिए ताकि हम आंसर डायरेक्टली यहाँ पे लिख पाए। तो 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z माइनस 48 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया आपका x, तो यहाँ पे 8x माइनस 48 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, सिंपल मेरे हिसाब से यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी चीजें। तो यहाँ पे फाइनली अगर जो है हम 2 से डिवाइड करें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। सीधा सीधा दिख रहा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट जो है इक्वल टू यहाँ पे हमारे मतलब सेम है ना, तो सीधा सीधा ये जो सर्कल की इक्वेशन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऐसे जो है क्वेश्चन मतलब आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, बस वहां पे थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे लगाना रहेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है y इज इक्वल टू, और ये भाई एक खतरनाक सा एक्सप्रेशन दिया है, और स्टूडेंट्स पता है इस अप्रोच को और ज्यादा खतरनाक यहाँ पे बना देंगे अगर वो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने गए। देखिए यहाँ पे पता है जनरली स्टूडेंट्स का अप्रोच क्या रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा dy बाई dx, तो भाई वो लगा रहे यहाँ पे चेन रूल लगा रहे कि सिंपली जो है आपका कोई एक टर्म को पकड़ा उसको जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट करा बाकी सबको कॉन्स्टेंट रखा, या फिर प्रोडक्ट रूल का ही जो है एक एक्सटेंशन टाइप का हो गया, फिर इस तरीके से इसको जो है डिफरेंशिएट करा बाकी सबको कांस्टेंट रखा, ऐसे करके पूरे टर्म्स लिखेंगे कितना टाइम जो है वो अपना लगाएंगे और फाइनली जो है आंसर तक पहुंचेंगे। पर इसका मैं एक सिंपलेस्ट अप्रोच अगर आपको बताऊं तो आपको यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी जो है यूज करनी थी, ln xy is equal to ln x plus ln y, ये सब चीजें जो है दिमाग में यहाँ पे आनी चाहिए जब इस टाइप के जो है बड़े से ऐसे प्रोडक्ट वाला चीज रहे, तो यहाँ पे जो है लॉग हमारा काफी ज्यादा यूज कर सकता है, ठीक है, तो काफी ज्यादा अगर यूज में कैसे आ सकता है, यहाँ पे सिंपली जो है दोनों साइड ln ले लो, तो ये ln y हो गया, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा ln 1 plus x,
और सभी जो है इसी तरीके से यहाँ पे स्प्लिट हो जाएंगे, तो सारे टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ln 1 plus x की पावर 16 है ना, सब एडिशन में लिखे हुए हैं। एंड यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 by y dy by dx, ये क्या बन गया 1 upon 1 plus x। फिर नेक्स्ट है 1 plus x square, मतलब ln 1 plus x square, उसको हम करेंगे तो ये 1 upon 1 plus x square। अब 1 plus x square का definitely यहाँ पे differentiation करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2x and so on, इस तरीके से आप जो है लिख सकते हो। अब एक चीज जो कि यहाँ पे समझो कि हर एक का यहाँ पे x की पावर समथिंग जो है ऊपर आएगा ही, क्योंकि अगले इसमें x की पावर 4 तो वो 4x क्यूब बन गया, मतलब x का कुछ ना कुछ टर्म इन्वॉल्व है। फाइनली तो आपको x इक्वल टू 0 डालना है, मतलब ये सारे टर्म तो 0 ही हो जाएंगे क्योंकि न्यूमरेटर 0 बन जाएंगे, तो उसको क्यों लिखने की जरूरत है। और यहाँ पे x 0 डालोगे तो ये 1 रहेगा, और y की अगर हम बात करें यहाँ पे सब में x की जगह 0 डाल दिया तो वो भी 1 बन जाएगा, मतलब dy by dx इक्वल टू 1। कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर ऑप्शन बी टिक करना। इस तरीके से भाई स्टेप्स आपको सेव करनी पड़ेगी पेपर के टाइम पे, और सबसे ट्राई करना है कि शॉर्टेस्ट अप्रोच तक पहुंचो, और वो चीज तभी अचीव की जा सकती है जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो ज्यादा हद तक जो है इंप्रूव हो। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, एंड सेकंड अटेम्प्ट में ट्राई करिए कि और ज्यादा जो है बेटर आप कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आप एग्जाम के अंदर अच्छा करेंगे। बस कॉन्फिडेंट रहिएगा, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उससे ज्यादा ही आप स्कोर कर सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।